सभी को नमस्कार। आज हम मकर राशि के बारे में जानने जा रहे हैं और यह 18 दिनों के लिए एक विशेष ग्रह से कैसे जुड़ा हुआ है। हम जानेंगे कि इसका क्या मतलब है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। एक विशेष तकनीक या समाधान है जिसके बारे में हम सीखेंगे और भले ही इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है, यह बहुत मूल्यवान है और हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए पहले 18 साल और फिर 18 दिन के बारे में जानें। सुनो, आसमान में कुछ अच्छा हो रहा है। राहु 30 अक्टूबर 2023 से आपके तीसरे घर में जा रहा है। ऐसा हर 18 साल में होता है, लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। 7 मार्च से एक और विशेष ग्रह बुध देव 18 दिनों तक रहेंगे। 10 से 26 मार्च के दौरान बुध एक और विशेष ग्रह राहु से जुड़ेगा। इन सभी ग्रहों का प्रभाव आपके तीसरे भाव पर पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में जब राहु और बुध एक साथ आते हैं तो इसे जड़त्व योग कहा जाता है। और क्या, इस दौरान बुध अपनी कमजोर स्थिति में रहेगा, तो यह आपके लिए वास्तव में दिलचस्प और शक्तिशाली समय होने वाला है। आपको बताया गया होगा कि बुध नामक ग्रह की वर्तमान स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि यह आपके तीसरे और पांचवें घरों पर शासन करता है, जो कुछ मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। यह वैदिक ज्योतिष में एक मान्यता है, जो एक प्रकार का ज्योतिष है जिसका बहुत सम्मान किया जाता है। अलग अलग ज्योतिषी चीजों की अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं कि हम इस समय का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। हमने इन ग्रहों के बारे में जानने के लिए 2 दिनों तक होमवर्क किया और अपने निष्कर्षों को आपके साथ साझा करने के लिए एक वीडियो बनाया। हम आपको यह समझने में मदद करना चाहते हैं कि यह जानकारी आपके जीवन में कैसे सहायक हो सकती है। 2 ग्रह एक निश्चित राशि में मिल रहे हैं, जिसका संबंध हमारे अवचेतन मन से होता है। यह संकेत हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं की तरह है, इसलिए हमने अपने शोध के दौरान इस पर ध्यान केंद्रित किया। हमने अच्छी चीजें करने के लिए राहु का एक अलग तरीके से उपयोग करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। राहु एक विशेष ग्रह है जो चीजों को बहुत बड़ा बना सकता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को चीजों का बहुत विस्तार करने के लिए जाना जाता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम इसे असीमित कहते हैं। राहु हमारी कल्पना शक्ति की तरह है, तो हम इसे कल्पना कहते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण घटित होता है जब गाय की मुलाकात बुध से होती है। जब आपके दिमाग में 3 महत्वपूर्ण बातें एक विशेष तरीके से एक साथ आती हैं, तो यह आपके लिए वास्तव में एक अच्छा समय हो सकता है। यह आपके सिर के अंदर एक बुद्धिमान बुध के होने जैसा है, जो आपको चीजों को सोचने और समझने में मदद करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी समस्याएं हमेशा हमारे बाहर की चीजों के कारण नहीं होती हैं, बल्कि कभी कभी वे अंदर से भी आती हैं। यदि हम 18 दिनों के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग करते हैं, जहां हम सोने से पहले कुछ मिनट बिताते हैं और जब हम उठते हैं सकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं और अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह तकनीक 7 मार्च से 26 मार्च तक विशेष रूप से अच्छा काम करेगी। ऐसा करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें ला सकते हैं। बस अपने आप पर विश्वास करना याद रखें और उन अद्भुत चीजों की कल्पना करते रहें जो आप घटित होना चाहते हैं। अब ये ग्रह आपके जीवन में अच्छी चीजें घटित करने में मदद कर सकते हैं। वे आपके लिए भाग्य और सफलता ला सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना जादू चलाने के लिए आपको सोने से पहले 5 मिनट तक यह कल्पना करने की जरूरत है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। आपको दिखावा करने और वास्तव में इस बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो आपको कैसा महसूस होगा। आप अपने जीवन में जो कुछ अच्छा घटित करना चाहते हैं उसके बारे में सोचते समय एक प्रसन्न चेहरे और थोड़ी सी मुस्कुराहट की कल्पना करें। उदाहरण के लिए, यदि आप कार्यस्थल पर या अपने स्वयं के व्यवसाय में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उस सफलता को प्राप्त करते हुए स्वयं की कल्पना करें। अपनी कल्पना का प्रयोग करें और विश्वास करें कि ऐसा होगा।
यह बहुत सहायक हो सकता है। यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो रात को सोने से पहले स्वस्थ रहने के बारे में सोचें और अपने आप से कहें, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। इससे आपको बेहतर महसूस करने और अपना काम अच्छी तरह से करने में मदद मिल सकती है। मेरी सारी बीमारी अब दूर हो गई है। हर सुबह मैं यही क्रम दोहराऊंगा। अगर मैं ढेर सारा पैसा पाने की उम्मीद कर रहा हूं, तो ऐसा लगता है कि वह मेरे पास नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मुझ पर कोई कर्ज है तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि वह गायब हो जाएगा। मैं अपनी नौकरी से अच्छी खासी रकम कमा रहा हूं और उस पैसे से मैं अपना कर्ज चुका रहा हूं और अपने परिवार और घर के लिए चीजों को बेहतर बना रहा हूं। और याद रखें, आपको न केवल कल्पना करनी है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि उस दिशा में काम भी करना है। ओम शांति ओम नामक एक फिल्म है जो कहती है कि यदि आप वास्तव में कुछ चाहते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो पूरी दुनिया आपको इसे हासिल करने में मदद करेगी। चीजों को घटित होने में समय लगता है और यह ठीक है। कई किताबें इस बारे में बात करती हैं कि हमारे विचार कैसे आकार देते हैं कि हम कौन बनते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचना और अपने विचारों को काम करने के लिए समय देना महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम सोने जाते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन काम करता रहता है और हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह कनेक्शन हमारे लिए चीजें घटित करने में मदद करता है। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका किसी के साथ विशेष संबंध है, भले ही वह बहुत दूर हो, और फिर अचानक आपको उनसे कॉल आ सकती है या आप उनसे मिल सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आपके विचार और आपके जीवन की घटनाएं जादुई तरीके से जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मकर राशि वालों की किस्मत खराब होती है, लेकिन यह सच नहीं है। यह राशियों के बारे में सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण विश्वास है। हर किसी के अच्छे और बुरे दिन आते हैं, चाहे वे किसी भी राशि के हों। मकर राशि में जन्म लेने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सफल होते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मकर राशि एक बुरा संकेत है, क्योंकि यह शनि ग्रह से जुड़ा है जो न्याय और कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। हो सकता है कि हम हर किसी की टिप्पणियों का जवाब देने में सक्षम न हों, लेकिन हम उन सभी को पढ़ते हैं। हम पर विश्वास करें, जब हम सकारात्मक मानसिकता रखते हैं और ब्रह्मांड और ईश्वर की शक्ति में विश्वास करते हैं तो अच्छी चीजें हमारे पास आएंगी। हमें बस सोचने और अपनी कल्पना का उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा 18 दिन तक करें तो हम जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम उन 18 दिनों में सकारात्मक परिणाम देखते हैं तो हम जारी रख सकते हैं और चलते रह सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसने हमारे जीवन में हमारे लिए काम किया। हम एक छोटे से गांव में रहते थे और काम करते थे, लेकिन हमारे मन में अपनी ज्योतिष विद्या के लिए दुनिया भर में जाने जाने की तीव्र इच्छा थी। मेरे पास बहुत सारा अनुभव है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि शायद यही कारण है कि हम आज यहां एक साथ हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए और चीजों को समझने के लिए सिर्फ अपने दिमाग पर निर्भर रहना चाहिए। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे जीवन में अच्छी चीजें आएंगी। मुझे आशा है कि आप सभी इसे समझेंगे, और यदि आप समझेंगे तो यह काम करेगा। अगर आपको मेरे द्वारा चीजों को समझाने का तरीका पसंद आया तो कृपया लाइक और कमेंट करना न भूलें। इससे मुझे यह जानने में मदद मिलती है कि मेरी कड़ी मेहनत की सराहना की जाती है। और यदि आपने पहले से नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा रहे। जय श्री राम।